हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स में संदीप सर। एनुअल एग्जाम रिवीजन, आज हम आपका चैप्टर 12 का एनुअल में जो है उसका रिवीजन लेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया था कि आपके कौन कौन से चैप्टर एनुअल एग्जाम में हैं, जब मैंने आपको चैप्टर 9 रिवाइज करवाया था। आज मैं आपको चैप्टर 12 रिवाइज कराऊंगा। इसमें केवल दो ही एक्सरसाइजें हैं, लेकिन आपको इसमें केवल 12.1 एक्सरसाइज उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें से ही आपको बहुत फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चनों को तैयार करना है। जैसे कि आपके पास एक्सपोनेंट एंड पावर है, अगर आपको ज़्यादा इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं तो आप इसकी वीडियो में जाएँ और फुल्ली रिवाइज करें। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जो आपके क्वेश्चन पैटर्न से रिलेटेड है। फॉर्मूले बेस आपके पास जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, जैसा कि आपको बताया गया था कि किसी को भी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ये है आपका यदि मैं इसको ये कहूं कि 2 की पावर 5, तो इसमें ये क्या है, पावर है यानी एक्सपोनेंट, और ये इसका बेस है। ओके, फॉर्मूले जितने भी हैं वो सब आपको इसकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन है तो बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है। इस तरह से जितनी भी आइडेंटिटी है वे आपको याद करनी है। मैं इसकी एक्सरसाइज में आऊँ अगर, तो 12.1 में सबसे पहले ही आपका एक क्वेश्चन बैठता है और वो क्या है, लिखा होगा वहां इवेल्युएट, क्या है, इवेल्युएट करना है। यानी आपके पास 3 की पावर -2 है, ठीक है, आप इसे इवेल्युएट करें यानी सॉल्व करें, तो मैं जिसकी जितनी पावर होती है उसे उतनी बार क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा। लेकिन चूंकि ये माइनस की है तो मैं सबसे पहले इसे प्लस की पावर बना लेता हूं, तो 1/2। ओके, यानी मैंने इसे 3 की पावर -2 को 1/2 कर लिया, तो मेरे पास 3 की पावर 2+ की हो गई। और मैं इसे क्या सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 2 यानी 9। अभी आपको समझाया गया था कि 3 की पावर 2 जिसकी जितनी पावर होती है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 3 9। ओके, ठीक इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन सोल्व लेता हूं मैं, जैसे कि 2 सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको, इसमें सिंप्लीफाई करना है, और मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूं, -4 की पावर 5 है और डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8 है। तो आप यहां ध्यान दें, यहां पर दोनों ही बेस क्या है, -4 है और बीच में क्या है, सिंबल डिवाइड है, तो पावर क्या होंगी, जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगी, इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी 5 - 8 हो जाएगी। -4 की पावर 5 - 8, तो 8 - 5 करेंगे तो -3 बचेगा। और इसे आपको अगर प्लस में कन्वर्ट करना है इसकी पावर को, तो 1/-4 की पावर 3, नीचे उतारने पर ये पावर क्या होगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये एक्सपोनेंट क्या हो गया, प्लस में हो गया। ओके, इसके बाद आप इसे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी 1/-4 की पावर 3 है तो आप इसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी -4 × -4 × -4, तो रिजल्ट आया 1/4 = 16 और 16 × 64, -, प्लस और प्लस माइनस माइनस।
ये आपका क्या हो गया। हाँ, इस तरीके से आपको क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई और इवेल्युएट करने हैं। ओके, आप ध्यान दें, इसी में ही आपके पास एक क्वेश्चन आता है 3। ओके, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक हल्का सा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको। यहाँ पर नॉर्मल देखें, अगर ए की पावर 5 है तो इसे कहते हैं, जो ये है पावर नोटेशन में है, अगर मुझे इसे एक्सपेंड करना पड़े तो 5 बार इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है पावर नोटेशन। ओके, और यदि मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए, इसे पावर नोटेशन में कहेंगे तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो ये आ गया मल्टीप्लाई। ए कितना है, 2 बार, तो ये आ गया, यानी जो जितनी बार है उसे उतनी पावर में लिख सकते हैं, और लास्ट में इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 1 की पावर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो कितना, 3 की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1, ये हमने आइडेंटिटी आपको याद करवाई हुई है, प्लस ये पावर कितनी है माइनस में है, तो ये हो गया 1/4, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 बन जा 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 4, तो आपके पास क्या आ गया, 4 प्लस 1 5/4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5, ये आपका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। इसी में कुछ जनरल क्वेश्चन अगर आप देखें तो मैं ये भी ले सकता हूं कि भाई एक मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लूं, तो 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0 सॉल्व, कहें कि भाई फाइंड आउट या इवेल्युएट, तो इस तरह के क्वेश्चनों को क्या कहेंगे, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 कितना होता है 1, और 6 की पावर 0 भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आंसर हो गया 3। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को, ठीक है, ये हमने बुक से हटके क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन मल्टीप्लाई में हो जाए, तो 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 जा 1, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे एक अदर पार्ट देखें, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। ओके, इस वाले क्वेश्चन में 2 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 0 1 और 2 की पावर 0 1, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो 1 प्लस 1 तो कितना हो गया बच्चों 2, और यहाँ 1, तो 2 1 जा 2, तो यानी आपको ब्रैकेट का उन सब पॉइंटों का ध्यान देकर चलना पड़ेगा एक्सपोनेंट में। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन तो और देखता हूं मैं, आपका क्वेश्चन सही का ही एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि 2/3 है, इसकी पावर 2 है और इसकी भी पावर मैं क्या कर दूं 3, इसे सॉल्व करने के लिए पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना हो गया 2 3 जा 6, ये हो गया पावर नोटेशन में आंसर। ओके, इस तरह से आप अपने इस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। ओके, एक्सपोनेंट के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब को आप अच्छे से ध्यान दें और फुल्ली रिवाइज करें। क्लियर। एक सिंप्लीफाई में है आपका क्वेश्चन, अगर मैं ये लेता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर
यहां ये लें। क्वेश्चन नंबर टू का मैं थर्ड पार्ट लेता हूं, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5/3 की पावर 4। ओके, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे आप, बहुत कम टाइम लगेगा इसमें। इसे अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो -3 की पावर 4 है, तो आप क्या कर दें -3, ये भी एक सिंप्लीफाई कर देगा, मल्टीप्लाई -3 कितनी बार, 4 बार। यहां 5/3, ये 4 बार। तो आप यहां दें नीचे डिनोमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर, इन 3 से ये 3 सब कैंसिल हो गए, 4 से 4 बार। और माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर क्या हुआ प्लस, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया 5 5 5, यानी 5 की पावर 4। आप इसे 5 की पावर 4 को क्या कहें, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। कितनी बार, 5 5 25 5 5 25, और 25 की 25 से जब मल्टीप्लाई होती है तो ये। ओके, इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, कोई ज्यादा हार्डली नहीं होंगे, बस आपको क्या करना है, बड़ा ध्यान देना है। ओके, थैंक यू।